अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं, क्या कह रहा है ये प्रूफ करना है। देखो तुमसे चार क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में। कहेगा कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन ये भी डाल सकता है, वो भी डाल सकता है, वो भी डाल सकता है, क्योंकि तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। साथ ही साथ वो क्वेश्चन देके ये भी पूछ सकता है चार ऑप्शन में। बस क्या करेगा कि तीन ऑप्शन को गलत देगा थोड़ा सा माइनस प्लस में, और बाकी सब सही, एक ठो सही कर देगा, वही सही होगा। तो देखो कैसे बनाएंगे। इसमें तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि ये साइन का पावर 4 थीटा है और माइनस कॉस का पावर 4 थीटा है। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा बीस का स्क्वायर। बस ये ध्यान देना है कि ये वाला स्क्वायर यहाँ का है, ए तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा का काम करेगा और कॉस स्क्वायर थीटा बी का काम करेगा। यानी कि बी जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा होगा और बी स्क्वायर वो स्क्वायर वाला काम करेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो तुरंत हम क्या लिख देंगे, ए प्लस बी की जगह पे हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज ऑफ ए का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है। तो ये ए प्लस बी हुआ और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस बी, ये कॉस होगा, ठीक है, क्योंकि बी तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, तो यानी कि वही बचेगा क्योंकि इनटू में है ना लगा हुआ। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो रिजल्ट है तुम्हारा पहला प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखो अगला रिजल्ट प्रूफ करने के लिए दिमाग में ये सोचना होगा कि भैया साइन स्क्वायर में रिजल्ट है ये वाला, उसके बाद ये भी प्रूफ करना है। तो ये अगर रिजल्ट साइन स्क्वायर में है तो आप ये सोचो कि पूरी तरह से हमको साइन स्क्वायर में चले जाना है। तो ये कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में ले जाओ, तो कॉस स्क्वायर का थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस ना बीच में लगा हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस ब्रेकेट में क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और माइनस में ये 1 बचेगा। ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। फिर देखो अब हम कहेंगे कि तुम यहाँ की बात एक तरह से ये प्रूफ कर सकते हो या फिर यही से उस रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हो। कैसे, अब ये रिजल्ट को देखने से लग रहा है कि पूरी तरह से कॉस स्क्वायर में है, तो तुम क्या करो कि इस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो कॉस स्क्वायर में है ही, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो। तो ये फाइनली क्या आ गया, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज प्रूव्ड, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। इसमें कह रहा है कि साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपको क्या समझ में आना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग सकते हैं। ए क्यूब कैसे बनाए दे LHS को, तो इसको आप साइन स्क्वायर थीटा लिखो और उसका क्यूब कर दो, 3 × 6 बन जाएगा। फिर कॉस का पावर 6 थीटा को तुम लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा का पावर क्यूब। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ये याद होना चाहिए। तो वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो वहाँ से आप लिख सकते हैं ए तुम्हारा काम करेगा साइन स्क्वायर थीटा का और बी तुम्हारा काम करेगा कॉस स्क्वायर थीटा का, क्योंकि वही ना है, क्यू तो बाहर है। तो अब ए प्लस बी क्या होगा तुम्हारा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। फिर ए स्क्वायर जब करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा का तुम्हें क्या करना होगा, स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर करोगे तुम तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। फिर माइनस ए बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यही तुम्हारा माइनस ए बी का काम करेगा। अब ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये कहानी खत्म, बस उसकी कहानी को सोचनी है। अब यहाँ पे देखो ये तुम सोचो कि ये ए का काम कर रहा है, ये ए स्क्वायर है, प्लस ये बी का काम कर रहा है और ये बी स्क्वायर है। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला तुम्हें याद आना चाहिए तुरंत, क्या होता है, तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस टू ए बी। क्यों माइनस टू ए बी होता है, आप प्रूफ कर सकते हो
आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दो, वो कट पिट के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, है ना, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए का काम करेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का काम करेगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये का इसका होल स्क्वायर। तो ये हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर माइनस टू ए भी करना है, तो माइनस टू और ए का काम करेगा साइन स्क्वायर थीटा, बी का काम करेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और पहले से क्या है माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या होगा, ये वन हो जाएगा फिर से और ये वन का स्क्वायर भी वन हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वन हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो उसका स्क्वायर वन हो जाएगा। फिर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, थ्री साइन स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया ये रिजल्ट प्रूफ, यही तो लाना था आपको, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 वापिस से। इसमें क्या है, साइन का पावर 8 थीटा माइनस कॉस का पावर 8 थीटा को प्रूफ करना है। वो तो इस 8 को देख के बच्चे डर जाते हैं, डरना मना है, बिकॉज ऑफ आप इसे ऐसे कर सकते हो, साइन का पावर 4 थीटा लिख दो, उसका लिख दो स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 × 8 माइनस कॉस का पावर 8 थीटा है इसे लिख दो कॉस का पावर 4 थीटा और उसका लिख दो होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ है, अब आप काम कर लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस ए का काम करेगा आपका साइन का पावर 4 थीटा और बी का काम करेगा आपका कॉस का पावर 4 थीटा। यानी कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी कॉस स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी हो गया और फिर हो जाएगा ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा साइन का पावर 4 थीटा और माइनस माइनस कॉस का पावर 4 थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये जो कहानी है, यहाँ पे तो एक फार्मूला और लगेगा, यहाँ पे तुम साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर जो 4 थीटा देख रहे हो उसको तुम क्या लिख सकते हो, सोच के देखो, उसको तुम फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह ट्रीट कर सकते हो, बिकॉज ऑफ इसे तुम लिख दो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और प्लस इसे लिख दो तुम कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी की तरह है, कैसे, तो इसको तुम ऐसे सोच सकते हो कि इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम लगाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, वो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ए प्लस बी के जगह पर क्या करेगा, ए का काम तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा का होगा और बी का काम तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा का होगा, क्योंकि यही तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का काम ये करेगा और बी का काम ये करेगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस टू ए बी, तो माइनस टू और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में ये बंद होगा, एक ब्रैकेट में तुम्हारा ये बंद होगा। इसमें क्या होगा, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी में क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए प्लस बी का काम होगा, क्योंकि ए तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा है और बी तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये वाला स्क्वायर यहाँ है, ये वाला स्क्वायर यहाँ है, ठीक है। तो ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी क्या हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो वन हो जाएगा, फिर ये भी वन हो जाएगा, तो इसमें क्या आएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये तो वन का स्क्वायर तो वन आएगा और माइनस में टू साइन स्क्वायर थीटा और इंटू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इधर ब्रैकेट में देखो ये तो वन हो गया, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो इंटू में आएगा उसको हम पहले लिख देते हैं, क्योंकि यही तो प्रूफ करना था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब इंटू बाद में लिखो चाहे पहले लिखो बात तो एक ही है। तो यही रिजल्ट प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन नंबर। इसमें दो रिजल्ट प्रूफ करना है, एक ये इसके बराबर और फिर इसके बराबर। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, डर लग रहा होगा, लेकिन एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ आप देखो सबसे पहले कि इसमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, यानी कि आप एलसीएम ले लो। एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और दोनों का मल्टीप्लाई में भी आप फटाक से अगर करना चाहो तो ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि डायरेक्ट एलसीएम में मल्टीप्लाई भी कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई ही लिखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक्चुअल में इसका मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका गुना इसमें होगा। तो आप फाइनली क्या देखोगे कि ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ही है, और वो भी वही है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इधर मल्टीप्लाई होगा, वही चीज़ है, तो फिर साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और वो बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो आप कर लो दुनिया मुट्ठी में, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और फिर यहाँ पे देखो प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी, तो माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में जो है आपका वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वो तो हमको चाहिए ही, आपको प्रूविंग में दिखाई भी दे रहा होगा कि डिवाइड में हमारा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, फिर यहाँ देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, तो वन और वन टू हो गया, और भाई जान ये जो है वो कट जाएंगे। कैसे? क्योंकि ये प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, वो माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, और नीचे में हो जाएगा तुम्हारा जो प्रूफ करना है वो। तो एक रिजल्ट तो आपको सीधा दिखाई दे दिया प्रूफ, टू डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब एक नीचे वाला रिजल्ट है, वो तो और आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि आप देख रहे हो कि ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला में पूरा कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा है। तो एक काम कर लो, इस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में ले जाओ। कैसे? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, टू डिवाइडेड बाई वन, और साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन कॉस स्क्वायर लिख रहे हो, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर फिर से माइनस कॉस स्क्वायर, तो दो को कॉस स्क्वायर माइनस में, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो प्रूफ करना था, है ना, यही तो प्रूफ करना था, वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो इसको मिटाते हैं, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और प्रूफ करना है कि ये जो रिजल्ट है बड़ा सा, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर होगा। देखो यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ ए और बी अलग है, तो अगर एंगल बदल रहे हैं तो बी वाला का काम बी के साथ होगा और ए वाला का काम ए के साथ होगा। और रिजल्ट देखो जो प्रूफ करना है उसका आर्चिस गौर से देखो, आर्चिस तुम्हें साइन में नज़र आ रहा है केवल, तो बेसिक सी बात है हमारे दिमाग में क्या चलेगा कि हम एल एच एस में जहाँ भी हमें कॉस स्क्वायर दिखाई दे रहा है हम ये चाहेंगे कि उस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल दे, और उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर कॉस स्क्वायर बी रहेगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर बी, अगर कॉस स्क्वायर ए रहेगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यानी कि इसको रहने देंगे, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये साइन स्क्वायर ए है रहने देंगे, इसको क्या कर देंगे वन माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि बी है तो बी लिखेंगे, फिर माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और इनटू में क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये हमारा एलएचएस का प्रोसीजर हो गया, एक स्टेप बाद वाला, ये स्टेप उतारना है ये करना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, फिर माइनस का वन में मल्टीप्लाई होगा और साइन स्क्वायर बी का, तो माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये कहानी कट जाएगी। किससे कट जाएगी? इस कहानी से। और जो रिजल्ट प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वो आ चुका है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको इरेज करते हैं। तो ये क्वेश्चन अब लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे लाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव में तो आने का पक्का चांस है। कह गया दिस वैल्यू
इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन देगा वन, दूसरा ऑप्शन माइनस वन, तीसरा ऑप्शन जीरो और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो ये प्रूफ करना है अगर जीरो तो निश्चित रूप से सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप एलसीएम ले लो। यहाँ पे कुछ काम तो कर नहीं पाओगे ना अगले स्टेप में, तो आप एलसीएम ले लो। कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी और एक इंटू वहाँ से आएगा साइन ए प्लस साइन बी। अब क्या करना होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो ये देखो साइन ए माइनस साइन बी है, ये साइन ए प्लस साइन बी है, सेम चीज़ है ना, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फिर ये कॉस ए प्लस बी है और ये कॉस ए माइनस बी है, तो फिर ए प्लस बी लगेगा यहाँ और वहाँ ए माइनस बी इंटू होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से, यानी कि आप कह दोगे प्लस में कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये देखो कि साइन स्क्वायर ए के साथ अगर हम कॉस स्क्वायर ए को क्लब कर लें तो वो फार्मूला नज़र आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो एंगल सेम होना चाहिए। याद रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा सेम होगा तभी जाके वो वन होता है। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की तरह काम कर जाएगा, वन हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में है वो भी माइनस में है, तो तुम माइनस कॉमन ले लो, तो ये फिर से क्या बनेगा साइन स्क्वायर बी और प्लस कॉस स्क्वायर बी। अब तुम समझ गए होगे कि हम क्या लिखने वाले हैं, ये तो यही लिखेंगे नीचे वाला। अब जरा सोच के देखो कि साइन स्क्वायर बी में कॉस स्क्वायर बी में फिर बी और बी तो सेम है, तो अगर बी और बी सेम है तो कहानी क्या हो जाएगी, फिर से वन, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, तो ये वन माइनस वन जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही तो प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए ये जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में चले जाओ बाबा मैथ्स वाला, और उस प्लेलिस्ट को देखो, 9th से लेकर 12th तक सारे वीडियोस एकदम सीरियल वाइज हर चैप्टर्स के मिल जाएंगे आपको। और भी वीडियोस तैयार भी हो रहे हैं, IITs के भी वीडियोस तैयार हो रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।